हे गाइस, कैसे हैं आप सब? एंड वेलकम टू प्रतिभा स्वीट वर्ल्ड। एंड आज हम एक नई रेसिपी में मिल रहे हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं तोरई की सब्ज़ी। तोरई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्ट आने वाला है। और तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1 kg तोरई ले ली है और अब हम इसको इसके छिलके उतार के इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे। अभी हम इसको पूरा कट कर लेंगे, छिलके मैंने उतार लिए हैं, अभी हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तोरई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और कुछ ट्रिक्स हैं उस तरीके से, अगर आप बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अभी हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्ट आता है इसमें। फ्रेंड्स, हमने तोरई की सब्ज़ी पूरी कट कर ली है, इसे इतने छोटे छोटे पीसेस में ही आप सबको कट करना है। और अभी हम मटेरियल देख लेंगे और हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस सब्ज़ी में डालने के लिए। और इस सब्ज़ी में डालने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और 1 हरी मिर्च ले ली है, 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया है और खूब सारा लहसुन ले लिया है। यहाँ पे लहसुन इस सब्ज़ी में मैजिक का काम करता है, लहसुन से ही सब्ज़ी का टेस्ट आता है, इसीलिए लहसुन मैंने यहाँ पे 2 बड़े बड़े पीसेस के सारे पीस कट निकाल दिए हैं। आप चाहें तो और भी ज़्यादा लहसुन डाल सकते हैं क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इस सब्ज़ी का। और अभी हम अपने टोमेटो को कट कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, प्याज को चॉप कर लेंगे, मिर्च को चॉप कर लेंगे और अदरक और लहसुन का ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। हमारा सारा कटिंग चॉपिंग का काम ख़त्म हो गया है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है। अभी हम पैन में तेल डाल देते हैं, मेरे यहाँ पे 4 स्पून ऑयल डाला है पैन में और अब हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेज पत्ता डाल दिया है, तेज पत्ते के बाद हम यहाँ पे अपना चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। अभी हमें प्याज को चलाते रहना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। जब आपका प्याज इतना गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लें। जब आपको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तभी आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें यहाँ पे और अभी से भी चलाते रहें। यहाँ पे हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है इसको अच्छे से। और देखो फ्रेंड्स, हमारा प्याज अदरक और लहसुन का जो मटेरियल है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैंने लाल मिर्च ले ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी है। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर ले लिया है जिसे मैंने घर पे भून के उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था। और 1 चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला ले लिया है। बस हमें इतना ही मटेरियल डालना है, अब हम इसे चला देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हमारा प्याज
अदरक और लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से भुन गया है, हमें इतना ही भुनना है इसे। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे अपने टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर को हम यहाँ पे डाल देंगे, अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब अभी हम यहाँ पे अपना नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं, इसीलिए नमक आप टमाटर डालने के बाद डाल दें। और अभी हम फिर से ढक्कन लगा के इसे थोड़ी देर पकाएंगे। और ये देखो हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से बन गई है। इतनी ही अभी हमें पकानी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी तुरई की सब्ज़ी डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी करके तुरई की सब्ज़ी डालेंगे, पहले आधी डालेंगे, इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। और अब बाकी की भी सारी डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तुरई की सब्ज़ी के साथ साथ हमारे मसाले और भी ज़्यादा पक जाएंगे, ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगी पूरी तुरई की सब्ज़ी में। ये देखो अभी हम इसे फिर से बीच में चला लेते हैं। इसे बीच बीच में आपको चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो सब्ज़ी नीचे से लग सकती है, जल सकती है, इसलिए बीच बीच में इसे हिलाते रहें और ढक्कन लगा के पकाते रहें। इसे आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएं, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप तो रही पानी को छोड़ती है, तो उसी से हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। 1 kg तुरई की सब्ज़ी अगर बन के लास्ट में 250 ग्राम ही बचती है। इसे अच्छे से पकाएं, आप इसे स्टेज पे भी खा सकते हैं, बट और भी ज़्यादा पकाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आह क्या खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है हमारी। देखो गाइस ग्रेवी कितनी अच्छी है, एकदम बहुत जमी जमी सब्ज़ी बनी है। आप भी इस तरह से सब्ज़ी बनाएं घर पे और ज़रूर खाएं, बहुत टेस्ट आने वाला है आपको भी। और अब हम यहाँ पे अपने धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए और हमारी सब्ज़ी रेडी है। ये देखो गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड जय हिंद जय भारत।